नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम बात करने जा रहे हैं कसौटी जिंदगी की कमोलिका के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, कमोलिका जल्द ही शो से बाय बोलने वाली हैं और कमोलिका को सीरियल से अलविदा कहने से पहले मेकर्स कर रहे हैं ये काम। कसौटी जिंदगी 2 में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। दरअसल अपकमिंग एपिसोड में जल्द ही एक नया ट्विस्ट आने वाला है। सीरियल के करंट ट्रैक की बदौलत ही एकता के सीरियल ने कई बड़े बड़े सीरियल्स को पीछे छोड़ दिया है। शो में कमोलिका की पोल खुलने वाली है और कसौटी जिंदगी के सेट पर रोई सबको रुलाने वाली कमोलिका और जल्द ही कसौटी से गायब हो जाएंगी। वो मई के पहले हफ्ते के अंत तक शूटिंग करेंगी। सालों पहले हीना खान सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता के जरिए सीधी सादी बहू अक्षरा बनकर लोगों के दिलों पर राज कर रही थी, वहीं अब वैम के रूप में कमोलिका भी वे लोगों की वाहवाही बटोर रही है। सीरियल कसौटी जिंदगी में कमोलिका बनकर हीना खान ने साबित कर दिया कि वो किसी भी तरह के रोल में फिट बैठ सकती हैं। हीना खान इस सीरियल में एक आइकॉनिक नेगेटिव किरदार में नजर आती हैं। हीना की जबरदस्त अदाकारी के चलते कसौटी के दर्शक बड़े ही चाव से इस सीरियल को देखते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो जल्द ही इस सीरियल से ब्रेक लेने वाली है। दरअसल हीना खान अपनी बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स के चलते इस सीरियल से ब्रेक ले रही हैं और निर्माता चाहते हैं कि उनके जाने से पहले इस सीरियल के दर्शकों को एक जबरदस्त ट्विस्ट दिखाया जाए। कहानी में जिस तरह का ट्विस्ट आना है, इसके चलते हीना को इस सीरियल के लिए एक और हफ्ता देना है। पहले हीना इस सीरियल के लिए अप्रैल तक ही शूट करने वाली थी, लेकिन अब ऐसे में हीना मई के पहले हफ्ते भी कसौटी के लिए शूट करेंगी। अब जब सीरियल में हीना के किरदार का पर्दाफाश होना है, तो ऐसे में लाजमी है कि वे सबसे ज्यादा फोकस में रहने वाली हैं। इसी वजह से इस समय उनके पास जितनी भी स्क्रिप्ट्स आ रही हैं, वो उनके डायलॉग्स में सबसे ज्यादा बिजी हैं। ऐसे में हीना खान सेट पर घंटों पहले आकर ही अपने डायलॉग्स को याद करती रहती हैं। हीना खान की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें सीरियल्स की स्क्रिप्ट लेकर वो बैठी हुई हैं और स्क्रिप्ट को रट रही हैं, ताकि वे सीन को अच्छे से शूट कर पाएं। बता दें कि हीना खान इस सीरियल से कुछ महीनों का ब्रेक ले रही हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने खुलासा किया था कि वो इस सीरियल से 4 से 5 महीने बाद जरूर लौट सकती हैं। फिर शो में अपने फिल्मी प्रोजेक्ट्स में वो जुट जाएंगी। हीना खान ने शो के एग्जिट के बारे में फेसबुक लाइव करके बताया था। हालांकि हीना खान ने अपने सारे प्रोजेक्ट्स से पूरे कर शो में वापस एंट्री भी ले सकती हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मेकर्स ने कमोलिका के लिए काफी ज्यादा तैयारियां कर रखी हैं, काफी ज्यादा उनको काम पर ध्यान देने के लिए बोल रखा है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एकता कपूर काफी ज्यादा जो एग्जिट सीन है कमोलिका का, उसे बहुत ही ज्यादा धमाकेदार बनाने में जुटी हुई है और बहुत ही ज्यादा जब बेइज्जती की जाएगी कमोलिका की और इस तरीके से जब एकता कपूर के शो से एग्जिट होगा कमोलिका का, तो अपने आप में ये जो महा एपिसोड होगा वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। अगर आप लोग भी एक्साइटेड हैं इस शो के लिए, इस एपिसोड के लिए, तो प्लीज अपनी एक्साइटमेंट कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।